मथुरा के गोवर्धन तहसील के अंतर्गत नगला तकिया में प्राथमिक विद्यालय अपने बदहाली के आंसू बहा रहा है। वैसे तो शिक्षा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी ज्यादातर विद्यालयों की हालत जस की तस बनी हुई है। इतना ही नहीं, विद्यालय में पूरी तरह ग्रामीणों ने अतिक्रमण कर रखा है। मजबूरन बच्चों को इसी विद्यालय में पढ़ना पड़ता है, जबकि इस विद्यालय में कोई सुविधा देखने को नहीं मिलती। इस विद्यालय में ना तो कूड़ेदान है और ना ही विद्यालय की बाउंड्री। आखिर शिक्षा विभाग इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा? क्या ऐसे ही विद्यालयों में हमारे देश का भविष्य पड़ रहा है? सर जी, ये स्थिति तो काफ़ी दिनों से है। इसके बारे में बार बार विभाग को भी अवगत कराया जा चुका है और जो भी रिपोर्ट मांगी जाती है वो दे भी देते हैं यहाँ से। और उसकी दिक्कत काफ़ी है कि एक तो बाउंड्री वाल ना होना मेन कारण है यहाँ का जी। उस वजह से क्या होता है कि एक तो जो भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनको भी, जैसे भैंसें हैं इधर जो भी बनते हैं वो सारे ख़राब कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, खा जाते हैं। और जो लोगों द्वारा हैरो हैं, कल्टीवेटर हैं, गाँववासी द्वारा, ये सब यहाँ पटके जाते हैं। इनको मना करने के बाद ये कोई नहीं मानता है, घूरे हैं जिसकी वजह से काफ़ी गंदी फैलती है। तुम्हारे जैसे लेटरिंग है, लेटरिंग की ना ही कभी सफाई होती है और फिर किसी मतलब के है भी नहीं, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, दोस्त हो चुके हैं।